नमस्ते, मैं विदुषी शुक्ला कक्षा छठवीं की आपके सामने कहानी लेकर प्रस्तुत हुई जिसका शीर्षक है स्वयं में झांको। तो एक बहुत बड़े शहर में एक अमीर आदमी होता है, वह हीरे बेचता है। तो उस आदमी को वह हीरे दूसरे शहर में ले जाने होते हैं जिससे वह बेच सके। तो ऐसे ही एक चोर को यह बात पता चल जाती है। तो जब व्यापारी को जाना होता है दूसरे शहर, तो जब वो रेलगाड़ी में बैठ रहा था तो चोर भी उसका पीछा करने लगा। तो जब 5 बज रहे थे शाम के, तो चोर जल्दी जल्दी अपना खाना खा के सो गया जिससे वह रात में चोरी कर सके उसके हीरे। तभी व्यापारी को पता चल जाता है कि यह चोर चोरी करेगा मेरे हीरे। तो व्यापारी भी खाना खा के देखता है कि यह चोर सो गया और वह हीरे की पोटली उसके बैग में रख दिया। बहुत रात हो गई और चोर देखा कि व्यापारी सो गया, तो वह व्यापारी के बैग में जागने लग गया कि कहाँ है हीरे, पर उसको नहीं मिले। तो उसने सोचा, चलो दूसरों के भी बैग में झांक लेता हूँ। तब भी उसको हीरे नहीं मिले, वह थक हार के सो गया। जब सुबह हुई तो व्यापारी ने वह हीरे की पोटली ले ली। दूसरे शाम को चोर जल्दी से खाना खा के फिर से जल्दी सो गया और व्यापारी भी खाना खा के उसके हीरे उसके बैग में रख दिए। तब और फिर से रात को चोर ने देखा कि व्यापारी सो गया और वह फिर से झांकने लगा, तब भी उसको हीरे नहीं मिले। सफ़र ख़त्म हुआ और फिर चोर ने व्यापारी से पूछा कि क्षमा कीजिए सेठ, मैंने आपका हीरे चुराने की कोशिश की, पर आपने रखे कहाँ थे हीरे? अगर आप ये बता देंगे तो मैं चोरी करना छोड़ दूँगा। तभी सेठ ने कहा, अरे बेवकूफ़, तुम तो हीरे के मालिक बन जाते, पर तुमने अपने बैग में देखा ही नहीं। तुमने तो दूसरों के ही बैग में देखा और एक बार भी अपने बैग में देखा नहीं कि हीरे है कि नहीं। मैंने तो तुम्हारे बैग में ही हीरे छुपाए थे। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है और हमें इससे यह सीख मिलती है कि कभी दूसरों में नहीं झांकना चाहिए। भगवान ने जितना हमें दिया उससे खुश रहना चाहिए। हमारे पास इतना टैलेंट है, हम लोग उसको दिखा सकते हैं, पर नहीं, हमें दूसरों में देखना है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।